दीवार गिरने वाली है, भीगकर वर्षा काल में दीवार गिरेगी, ऐसी रेखा वाले जातक उस दीवार पार करने के बाद ही दीवार गिरती है। एक उदाहरण, दो उदाहरण, तीन उदाहरण नहीं, लाखों उदाहरण लीजिए। बाल बाल बचाने की, लघु मात्र नष्ट करने की शक्ति अगर किसी को है तो इस मंगल रेखा के लिए। ये प्रारब्ध पूर्व जन्म पुण्य प्रारब्ध का प्रतिफल का निशान है, चिन्ह है। ये एक रेखा अवश्य है। जातक को जीर्ण शीर्ण विध्वस्त स्थिति से हटाकर बचाकर फिर आयु देगी। उतनी सुंदर रेखा है। नहीं भाई, हवाई जहाज पर है, गाड़ी पर चल रहे हैं, बस पर चल रहे हैं, कार में है, अगर बस ही गिर जाए किसी खाई में, उस बस में जितने भी व्यक्ति हैं उन सभी को 80 से लेकर 90% तक हानि होगी। तो उस हानि से, उस नष्ट से ये व्यक्ति कैसा बच सकता है? 80-90% से हटाकर 5-10 अधिक से अधिक 15% तक की हानि मात्र पहुंच जाती है। उतनी सुंदर, मामूली एक पट्टी से काम चल जाएगा इनको। और एक याद रख लीजिए बंधु, ये रेखा होने के कारण मैं कुछ भी करूं अपमृत्यु तो नहीं रहेगी, मेरी हानि तो नहीं होगी। इस अंधविश्वास से, इस विश्वास से अगर आप अपनी गाड़ी को 200 के स्पीड से भगाएंगे तो अंगरक्षक को छोड़कर जो भागने वाले होते हैं उसकी हानि होती है। बड़े बड़े लोगों की कहानियां हम सुनते हैं, वो हानि तो अवश्य होगी। यानी अचानक बिना जाने कोई नष्ट हो जीवन के लिए, वैसे नष्टों मात्र से बचाने वाली कोई रेखा है तो ये रेखा। चाह चाह कर मुझे कुछ नहीं होगा इस विश्वास से वेग से गाड़ी भगाना, ऊंचे स्थान से कूदना, शक्ति से बढ़कर हिम्मत करना, यह हमारा, हम स्वयं कृत अपराध है। उससे रक्षा करने का भाव इसे नहीं है। और एक ये रेखा जिस व्यक्ति को रहती है, कहते हैं कि अत्यंत निकटवर्ती नातों के साथ इनका विवाह होता है। जैसे कि बुआ की बेटी से, यानी अत्यंत निकटवर्ती बंधु, नाते लोग, संबंधी लोग, रक्त संबंधी लोगों के साथ इनका विवाह होगा। अगर ये रेखा जीवन रेखा से जरा दूर है तो बाकी व्यक्तियों के साथ। उतना ही नहीं, कर्तव्य परायण होते हैं, बस काम काम करना ही जानते हैं। इसलिए बड़े लोगों ने, बुजुर्ग लोगों ने, शास्त्र निष्णातों ने, विशारदों ने कहा कि केवल मंगल रेखा ही कहना ही नहीं, जातक के लिए प्रदत्त बॉडी गार्ड लाइन है। कहते हैं कि ये रेखा जिन व्यक्तियों में रहेगी अपने अपने धर्म के अनुसार, हम हिंदू होने के कारण मैं भारतीय शास्त्र के अनुसार कहता हूं कि शक्ति देवताएं जो हैं, शक्ति भगवान जो हैं, ये इनके अंगरक्षक होते हैं। उदाहरण के तौर पर बजरंग जी, नरसिंह स्वामी, नरसिंह स्वामी बोलते हैं, ललिता, काली, सूर्य, शक्ति देवताएं इनके बॉडीगार्ड होते हैं। सभी को बाजू में रखिए, ये रेखा जिन व्यक्तियों में रहेगी मैं कहता हूं उनके साक्षात भगवान बजरंग जी इनके बॉडी गार्ड है। कितने बड़े प्रमाद में भी क्यों न चले, कितनी बड़ी शस्त्र चिकित्सा भी क्यों न हुए, कितने बड़े हिंस मृग के मुंह तक क्यों न जाएं, बाल बाल बचाने की शक्ति इस रेखा में है।
भगवान स्वयं जब आपके बॉडी गार्ड है, अंगरक्षक है, ये मानवीय शक्ति, जंतु शक्ति, अनैतिक शक्तियाँ, इनको क्या हानि पहुँचा सकती हैं? हानि तो पहुँचा ही नहीं सकती है। और एक इसमें उत्तम गुण ये है कि स्वयं अनुशासित होते हैं, अपने लिए एक टाइम टेबल बनाते हैं, 5 बजे उठूं, ठीक 5 बजे, किसी को उठाने की जरूरत नहीं है, किसी अलार्म पीस की कोई आवश्यकता नहीं, अपने आप उठ जाकर बैठ जाते हैं, अपने काम आप ही कर लेते हैं। सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प, इन लोगों का स्लोगन होता है, अपने काम आप कर लेते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपनी थाली आप धो लेते हैं, अपने बिस्तर को आप डाल लेते हैं, अपने कपड़े आप धो लेते हैं, उतने यानी अपना काम दूसरों पर नहीं रोकते, दूसरों को नहीं सौंपते हैं, इतने सुंदर गुण इनमें होते हैं। इसके अतिरिक्त जो स्त्री इसे मिलने वाली है वो काफी अनुकूलवती बनेगी, उसमें भी अनुशासन, वो स्वयं अनुशासित वो भी रहेगी, ये सुंदर गुण है। किंतु इतने होते हुए भी अगर एक बुरा नहीं हो तो कैसा? कुछ लोगों में, जितने व्यक्तियों में ये रेखा दिखाई पड़ती है, सबके बारे में तो मैं नहीं कह रहा हूं, किंतु इक्के दुक्के लोगों में एक छोटा सा दुर्गुण, छोटा सा क्यों कहूं कि एक दुर्गुण बोल दूंगा, दुर्गुण रहेगा कि मानसिक व्यभिचार, ये व्यभिचारी नहीं है किंतु मानसिक व्यभिचारी होती, पूरे के पूरे नहीं भाई, ये विश्वास कीजिएगा कि कुछ लोग, बहुत कम प्रतिशत लोग ऐसे होते हैं मानसिक व्यभिचारी, जो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं है, पत्नी में कुछ दोष हो तो पत्नी के स्थान में पराई स्त्री की कल्पना करते हैं, ये मानसिक व्यभिचार है। ये कहता हूं कि बहुत बड़ा दोष है, ऐसे दोष हो ना पाए। कोई व्यभिचारी होता है एक या दो लोगों से संबंध रखता है, मानसिक व्यभिचार के लिए उनकी संख्या क्या सीमित है, जिस स्त्री को वो पसंद करेगा पत्नी के स्थान में पराई स्त्री की कल्पना करते हैं। कितनी बुरी भावना है ये, अत्यंत दुर्गुण कहता हूं। मित्रों, ये रेखा होकर एक या दो व्यक्तियों में ऐसी भावना हो तो इस भावना को जड़ से निकाल फेंक दीजिएगा। हर पराई स्त्री बहन समान, माँ समान, बेटी समान, उस दृष्टि से देखिए। ऐसी भावना जब हम बढ़ा लेंगे, ऐसी सोच में रहेंगे, ऐसे विचारों में रहेंगे तो ये कल्पना दूर हो जाएगी। तो ये है मंगल रेखा। जीवन रेखा के जो जो कारक हैं, जीवन रेखा जिस प्रकार अर्धधनुषाकार में है, जीवन रेखा की पहचान प्रारंभ से लेकर जन्म से लेकर जिस प्रकार होती है, वो पूरे के पूरे लक्षण इस रेखा के लिए भी लागू है। अर्थात इस रेखा की पहचान जन्म से लेकर, अर्धवर्तुल हो ये रेखा हर एक को हो ऐसी बात तो नहीं है। प्रधान रेखाएं जीवन रेखाएं, बुद्धि रेखा और हृदय रेखा, इन तीनों रेखाओं का होना तो अत्यंत आवश्यक है। शेष दो, जो दो नियम है कि जन्म से लेकर होकर इसकी पहचान हो जाना, उसके तदनंतर अर्धवर्तुल में होना, ये दो गुण होते हैं। मगर हर जातक को ये रेखा हो, ये नियम माइनस है, ऐसा कोई नियम नहीं।